नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए आज मैं आपको अपनी रसोई में बेसन के लड्डू बनाना सिखाती हूँ। मैं एक कप बेसन लिया है, एक कप के लिए आधा कप प्योर घी, एक कप ही चीनी ली है, कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और आधा चम्मच इलायची पाउडर। चलो अब मैं शुरू करती हूँ। गैस को ऑन करके मैंने पैन को गरम किया और मैंने उसमें घी डाला। घी को गरम करेंगे अब हम मीडियम और धीरे गैस पे, इसको हम भूनते रहेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए अब ये थोड़ा ब्राउन होने लग गया है। वैसे तो लड्डू बनाने के लिए मोटा बेसन हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसके लड्डू ज़्यादा अच्छा बनते हैं। देखिए अब ये ठंडा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे गैस बंद कर रही हूँ और इसे दूसरी प्लेट में उल्टा रही हूँ ठंडा करने के लिए। देखिए इसे मैं ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखूँगी इसको, फिर ठंडा करने के बाद हम थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। चलिए अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं। आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड करते हैं। अब इनको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तागार मिक्स करेंगे। अगर तागार ना हो तो पीसी हुई चीनी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन तागार जो है उससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं और ये बाज़ार में बनी बनाई भी मिल जाती है। इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गरम बेसन को ठंडा होने दें, नहीं तो जो है चीनी या जो तागार जो है वो मेल्ट भी हो सकती है, उससे लड्डू जो है वो बिखर जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू हम बड़े छोटे अपनी मर्जी से जिस भी मर्जी आकार में बना सकते हैं। इसको हम काजू से या किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। देखिए अब हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं बेसन के। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत लाजवाब हैं। इन्हें बनाइए और खाइए, और अपने अनुभव हमारे चैनल में बांटिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।